हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए एक सेट ले लिया गया ए। इसमें सपोज दैट एन एलिमेंट्स है, ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस ए को, क्योंकि रिलेशन अगर फाइंड करना है तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया गया है कि ए क्रॉस ए को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है। आप यहाँ देख सकते हो कि ए क्रॉस ए को मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब जितना भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे पॉसिबल है सारा ऑर्डर्ड पेयर को दिखाया गया है। ए वन ए वन, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, इसी तरह से ए मैट्रिक्स फॉर्म में जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस ए में वो दिखा दिया गया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ए जो है, जो ए रेड ब्रैकेट के अंदर है, ठीक ना, यहाँ पे, तो ये सब को एलिमेंट को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। मतलब डायगोनल एलिमेंट कब बोलेंगे कि जब जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाए, जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाए, ठीक है, यानी ए इक्वल टू बी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये सारा डायगोनल एलिमेंट में आएगा और बाकी जो बच गया उसको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। जैसे हम पहले ये समझ लेते हैं कि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ए क्रॉस ए में टोटल एन इंटू एन एन स्क्वायर एलिमेंट्स होगा। ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स होगा, एन इंटू एन। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा, इसको आप काउंट कर सकते हो, वन टू थ्री अप टू एन, ठीक है, तो इसमें एन एलिमेंट्स होगा। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, तो एन है। नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, तो टोटल में से, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट्स में से अगर ये एन को छोड़ देंगे, डायगोनल को छोड़ दें, तो बाकी सबको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एक चीज और समझ लो कि अगर ए अपर ट्रायंगल में जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगल, और डायगोनल का जो नीचे एलिमेंट लिखा हुआ उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल में कितना एलिमेंट्स हैं एंड अपर ट्रायंगल में कितना एलिमेंट्स हैं, तो ये जो एलिमेंट है वो दो बराबर भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर में अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर बाई टू, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, इतना एलिमेंट ऊपर है और इतना ही एलिमेंट नीचे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। अगर नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बनाना है तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें आप जानते हो कि आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। रिलेशन का डिफिनेशन अगर आपको नहीं आता है तो इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आर सबसेट ए क्रॉस ए। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू टू द पावर एन स्क्वायर, तो टू टू द पावर एन होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू टू द पावर एन। तो यहाँ एन की जगह एन स्क्वायर यूज करना होगा, क्योंकि इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो बन गया टू टू द पावर एन स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 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 द पावर एन स्क्वायर, टू टू द पावर इसमें जितना भी एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है, तो एन स्क्वायर, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बन गया टू टू द पावर एन स्क्वायर। इसके बाद हम समझने का कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितना एलिमेंट्स होगा। तो देखो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर एलिमेंट्स ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आता है। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, मान लो कि एक सेट है ए और ए में लिखा हुआ है वन और टू, तो इसमें कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है जब ए का रिलेशन ए के साथ होता है, ए और ए उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट का प्रेजेंट होना मस्ट है। जैसे इसमें अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखे, कौन कौन आएगा, तो इसमें देखो एक आएगा वन वन और टू टू, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यस है, वन वन टू टू डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड नंबर
वन वन टू टू के अलावा मान लो कि यहाँ वन टू लिख देते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए इसका होना प्रेजेंट मस्ट है। नॉन डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें एक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, वन वन टू टू है टू वन, ठीक है, और एक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वन वन टू टू वन टू और टू वन। तो ये चार रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। इसमें आप सभी में देख सकते हो कि वन वन और टू टू यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसका प्रेजेंट होना मस्ट है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होना ही चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। तो इसमें हम फॉर्मुलेट कैसे करें, जैसे मान लो कि यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स रहता तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारा बनता, ठीक है, और उसको काउंट करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला, जनरलाइज फार्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। और ये फार्मूला बनाने के लिए आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का कंसेप्ट का यूज करना होगा, और जिसमें हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको जनरलाइज करते हैं और जनरल फार्मूला कैसे बनाते हैं, इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है तो इसका होना तो मस्ट है, यानी इसको सेलेक्ट करने का हमारे पास कितना ऑप्शन है? तो आंसर है कि बस एक ही ऑप्शन है कि सिलेक्शन उसका होना ही चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बना रहे हो तो इसका सिलेक्शन होना मस्ट है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सिलेक्शन मस्ट है, यानी कि बस हमारे पास एक ही चॉइस है कि उसका सिलेक्शन होना ही होना है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। तो ए सब का सिलेक्शन कितना तरह से कर सकते हैं? तो आंसर है कि बस एक तरीका से किया जा सकता है, मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसका सिलेक्शन करना ही करना है, ठीक है। इसका तो इसको सेलेक्ट करने का कितना तरीका? वन, तो वन इंटू जितना भी डायगोनल एलिमेंट है सबको बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उसको सेलेक्ट करना ही है। नॉन डायगोनल एलिमेंट को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? तो आंसर है कि इसका दो तरीका होगा। इस हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, हम सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन करेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव में आएगा, सिलेक्शन नहीं करेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव में आएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो डायगोनल एलिमेंट को सेलेक्ट करने का ऐसे ऐसे एन टाइम्स लिखना होगा, ठीक है, इन टू नॉन डायगोनल जितना भी एलिमेंट है इसका हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका दो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने का कितना ऑप्शन है? तो दो ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करने का कितना ऑप्शन है? तो टू ऑप्शन। तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू कितना बार करना होगा? तो जितना बार नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स करना होगा, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स। अब इससे अगर फॉर्मूला बनाने का कोशिश करें तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, वन इंटू एन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही होगा, और टू इंटू अगर एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू द पावर एन माइनस एन हो जाएगा। यानी कि फाइनल हमारा जो फॉर्मूला आया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, वो फॉर्मूला बन गया टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ए फॉर्मूला बन गया। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला बन गया टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन। अब समझने का कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ, ए दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ए प्रेजेंट है तो ए भी प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लो कि वन टू है, इसमें अगर मान लो कि वन वन प्रेजेंट है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आंसर है कि यस, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि वन वन का जो उल्टा अगर कर दोगे तो वन वन ही होगा और वो प्रेजेंट है। वन वन और टू टू ले लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आंसर है कि यस, इट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ले सकते हो, जैसे मान लो कि वन टू ले रहे हो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आंसर है कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट लेना है तो इसका उल्टा भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वन टू अगर लिया हो तो टू वन भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये किस टाइप का रिलेशन में आएगा?
सिमेट्रिक रिलेशन में आएगा, ठीक है। और अगर मान लो हम डायगोनल एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो कि 1-1 लेते हैं, 2-2 लेते हैं, और अगर ये नहीं भी लेते हैं तो हमको रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल में नहीं था तो भी एक ऐसा था, सिमेट्रिक रिलेशन था, और मान लो कि अगर ऐसे ले लेते, 1-1 ले लेते, 2-2 ले लेते, 1-2 ले लेते और 2-1 ले लेते, ठीक है, तो इसके नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। और इसके रहने से मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, और अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे देखो, सिमेट्रिक रिलेशन अगर हम इसी टाइप से फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला बनाने में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट को चुनने का भी दो चॉइस है, हम इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। नहीं भी लिए तो भी सिमेट्रिक है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, मतलब इसका सिलेक्शन का कितना तरीका होगा, तो आंसर है कि हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, सेलेक्ट कर भी सकते हैं इसको और सेलेक्ट नहीं भी कर सकते। तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे है, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास दो चॉइस मौजूद है। तो देखो, अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन लिखना चाहते हो तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपके डायगोनल के लिए दो चॉइस, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, तो दो, 2 × 2 × कितना बार, तो n टाइम्स करना होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है। नॉन डायगोनल के लिए सोचो, नॉन डायगोनल में अगर इसका सिलेक्शन करोगे तो इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अगर ए सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन ए हो जाना चाहिए, और अगर इसका सिलेक्शन नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एग्जांपल दिए कि सिर्फ 1-1 का सिलेक्शन किए और 2-2 का सिलेक्शन किए और इसका सिलेक्शन नहीं किया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, द आंसर यस इट इज रिफ्लेक्सिव, तो इसका सिलेक्शन नहीं किए, तो इसके लिए भी हमारे पास दो चॉइस है, ठीक है, हम सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका होगा, इसका सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका होगा, तो इसके लिए भी दो दो चॉइस है, लेकिन इसमें कितना टाइम्स लेना होगा, तो आंसर है कि एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू टाइम्स लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि जब इसका सिलेक्शन कर किए हैं तो इसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम सिर्फ इसको ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको सिर्फ काउंट करेंगे, क्योंकि फिर नीचे वाला को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सिलेक्शन के साथ इसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 to the power n इंटू 2 to the power n² - n/2। यहाँ दोनों का बेस सेम है तो आप पावर को ऐड करके नया फॉर्मूला बना सकते हो, 2 to the power n + n² - n/2, और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2n + n² - n, तो जो फॉर्मूला आएगा वो बनेगा 2 to the power n + n/2। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का ये फॉर्मूला है 2 to the power n² + n/2, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए, नेक्स्ट में आते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक तो नहीं बनाया गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन की। नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला सोचोगे तो इसका एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं बेल ट्री मेथड, तो इसको भी समझ लेते हैं नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन को। नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन, तो नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन के लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बेल ट्री। देखो, बेल ट्री क्या होता है कि अगर कोई सेट ए है और उसमें एन एलिमेंट्स है, अगर एन इक्वल टू वन है तो नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन 1 हो जाएगा, ऐसे लिख लेना। एन इक्वल टू अगर 2 है तो यहाँ फिर 1 और ऐसे 2 लिख लो, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। एन इक्वल टू अगर 3 है तो इसको देखो 2 पे खत्म हुआ तो यहाँ 2 से शुरू करो, 2 पे खत्म हुआ 2 से शुरू करो और इसको ऐड करो सामने वाला को, 2 और 1 कितना 3, 3 और 2 कितना 5। तो ये जो लास्ट में आ रहा है ना, ये नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन का फॉर्मूला मिल रहा है। जैसे मान लो कि एक सेट यहाँ पे है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ इक्वैलेंस रिलेशन का आंसर हो जाएगा 5, ठीक है,
और एक कर लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 5 पे ख़त्म हुआ है तो 5 से शुरू करो, ठीक है। तो 5 और 2 ऐड करो 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ऐसे। तो ये नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई सेट में 1, 2, 3, 4 है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन कितना होगा, आंसर है 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि n इक्वल टू 5 है, तो आप यहाँ 15 से शुरू करो और ये सामने वाला को ऐड करते जाओ, यहाँ 20, इसको ऐड करोगे 27, इसको ऐड करोगे 37, फिर इसको ऐड करोगे 52। तो अगर कोई भी सेट में अगर मान लो कि 5 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन हो जाएगा 52। तो इसको हम बोलते हैं बेल ट्री। इसी तरह से आप सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो आई होप ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग को अच्छा लगेगा होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसमें लास्ट में हम कंक्लूड कर दे रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन में क्या क्या फॉर्मूला आया। तो देखो, लास्ट में जो कंक्लूजन है वो आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा। सबसे पहले मान लो कि एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आ गया 2 to the power n² नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला 2 to the power n² - n, और कितना आया था, तो ये आया था 2 to the power n² - n, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में 2 to the power n² + n/2, और नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। और नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन, तो नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है ये बेल ट्री। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।